आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमेर, स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके आवास पर मुलाकात की। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा से भी मुलाकात की और उन्हें वायनाड संसदीय सीट पर हाल ही में हुए उपचुनाव में जीत पर बधाई दी। वही अनुमान है कि राज्य के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए ए रेवंत रेड्डी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से मुलाकात कर सकते हैं। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने तेलंगाना में अदानी समूह की परियोजनाओं पर जनता को गुमराह करने के लिए निराधार आरोप फैलाने के लिए मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की तीखी आलोचना की। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की परियोजनाओं के बीच अंतर करने में विफल रहने पर मुख्यमंत्री की आलोचना की। रेवंत रेड्डी की हालिया प्रेस वार्ता हताशा और भ्रम से भरी थी। उनके आरोप की बीआरएस सरकार ने अडानी को राष्ट्रीय राजमार्ग और रक्षा परियोजनाएं आवंटित की बेतुके हैं। ये परियोजनाएं केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, क्या वह शासन की मूल बातें भी समझते हैं? उन्हें लगा कि मुख्यमंत्री को उनकी पार्टी आला कमान से तुरंत आदेश मिल गया है कि वह सामने आए और अडानी के 100 करोड़ रुपए के दान को अस्वीकार कर दें। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष ने रेवंत रेड्डी के नेतृत्व की आलोचना की, उन्हें भ्रमित और परपीड़क मुख्यमंत्री कहा। वही पूर्व मंत्री ने राज्य के विकास पर राजनीतिक तुष्टिकरण को प्राथमिकता देने के लिए भी मुख्यमंत्री की आलोचना की। हैदराबाद के सांसद और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आज शिक्षा मंत्रालय से पूछा कि क्या भारत भर के सरकारी स्कूलों में रसोइयों और सहायकों को प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत मानदेय प्रदान किया गया था। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि 2009 के बाद से रसोइयों को दिए जाने वाले मानदेय में वृद्धि नहीं की गई है। उन्होंने पूछा कि क्या राज्य सरकारें पीएम पोषण योजनाओं के तहत सरकारी स्कूलों में रसोइयों को अतिरिक्त राशि प्रदान कर रही है। सवालों का जवाब देते हुए शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा, पीएम पोषण योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझेदारी में लागू किया गया है। योजना के सुचारू संचालन की समग्र जिम्मेदारी में पात्र बच्चों को गर्म पका हुआ और पौष्टिक भोजन प्रदान करना है और साथ ही कुक कम हेल्पर्स यानी CCH की नियुक्ति राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की है। वही चौधरी ने आगे बताया कि CCH मानक कार्यकर्ता हैं जो सामाजिक सेवाएं प्रदान करने के लिए आगे आए हैं। पीएम पोषण योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार CCH को उनकी सेवाओं के सम्मान में एक वर्ष में 10 महीने के लिए 1,000 रुपये प्रति माह का मानदेय निर्धारित किया गया है और इसे जारी रखा जा रहा है। अतिरिक्त मानदेय की बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश भी अपने संसाधनों में अतिरिक्त धनराशि प्रदान करके मानदेय की पूर्ति करते हैं। पीएम पोषण योजना के तहत रसोइयों और सहायकों को मानदेय के संबंध में शिक्षा मंत्रालय द्वारा साझा किए गए एक आंकड़ों के अनुसार तेलंगाना के सरकारी स्कूलों में कार्यरत रसोइयों को केंद्र से 3,000 रुपये और राज्य सरकार से अतिरिक्त 2,000 रुपये मिलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा व्यवसायी गौतम अडानी के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों के बीच तेलंगाना सरकार ने घोषणा की है कि यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के विकास के लिए अडानी समूह से 100 करोड़ रुपए का दान रोक दिया गया है। विकास पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बीआरएस के विधायक टी हरीश राव ने कौशल विश्वविद्यालय के लिए 100 करोड़ रुपए के फंड को रोकने के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की आलोचना की, जिसे अडानी समूह द्वारा दान किया जाना था। राव ने दावोस में अडानी समूह के साथ हस्ताक्षरित एक समझौते का जिक्र करते हुए पूछा, दावोस में आपने अडानी के साथ 12,400 करोड़ रुपए के सौदे के बारे में क्या कहा, जब राहुल गांधी अडानी के भ्रष्टाचार पर एक संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग कर रहे हैं। बीआरएस विधायक ने रेड्डी पर आगे हमला करते हुए आरोप लगाया कि रेड्डी तेलंगाना डिस्कॉम को अडानी समूह को सौंपना चाहते थे। राज्य में डिस्कॉम को अडानी को सौंपने और उनका निजीकरण करने की आपकी साजिशों के बारे में क्या? हरीश राव की प्रतिक्रिया तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के बाद आई है, जिन्होंने सोमवार को यह एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था कि उनकी सरकार ने अडानी समूह से कोई फंड स्वीकार नहीं किया है। फंड
बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रमा राव के बयान पर तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष बोम्मा महेश कुमार गोंड ने कहा कि हम केवल कुछ परियोजनाओं पर औपचारिक रूप से सहमत हुए हैं, लेकिन उन परियोजनाओं को आधिकारिक तौर पर नहीं लिया गया है। हमने कौशल विश्वविद्यालय के लिए दिया गया दान वापस कर दिया है। बीआरएस पार्टी संसदीय चुनाव में जड़ से खत्म हो गई है। वे लोगों को दिखाना चाहते हैं कि वे अभी भी जीवित हैं। अगले चुनाव में बीआरएस मैदान में नहीं होंगे। कांग्रेस विधायक एच आर गवियप्पा के बयान पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि मैं उन्हें शोकॉज नोटिस जारी करने जा रहा हूं। वह ऐसा नहीं कर सकते। किसी भी गारंटी को रोकने का कोई सवाल नहीं है। हम कर्नाटक के लोगों के लिए प्रतिबद्ध है। हम इसे लागू करेंगे और कोई भी अपनी आवाज़ नहीं उठा सकेगा। संविधान दिवस पर पूर्व सीएम और बीजेपी नेता बसवराज बोम्मई ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी संविधान में विश्वास नहीं किया और उसके अनुसार कभी शासन नहीं किया। इसे छिपाने के लिए वे खुद को संविधान के चैंपियन के रूप में दिखाना चाहते हैं। जनता ने उन्हें खारिज कर दिया है। संविधान दिवस है और कांग्रेस कह रही है कि अगर किसी को जाना चाहिए संविधान का तो कांग्रेस को जाना चाहिए। अगर कांग्रेस अगर कोई पार्टी कांग्रेस को कॉन्स्टिट्यूशन को बदलाव करना है और उसके लिए कोशिश जो किया दो तीन बार, उसका ट्रैक रिकॉर्ड, कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड, मैं राहुल गांधी को एक सलाह देता हूं। आप कांग्रेस के जमाने का जो रूल था उसमें संविधान को कितने बार धक्का दिया है वो जरा आप स्टडी कीजिए। 1972 में बेसिक स्ट्रक्चर चेंज करने वाले थे, केशवानंद भारती ने सुप्रीम कोर्ट को जाके उसको बचाया। शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट जो दिया था, जो मुस्लिम महिला को एक न्याय देना, वो संविधान का दुरुपयोग करके अमेंडमेंट करके सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नकारा, संविधान का दुरुपयोग किया, इमरजेंसी लगाया और जो आर्टिकल 356 मैक्सिमम संविधान में है उसका जो दुरुपयोग किया है वो कांग्रेस का रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है कांग्रेस का। दे नेवर बिलीव्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, दे नेवर रूल्ड एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। टू कवर इट अप दे वांट टू शो देमसेल्स एज अ चैंपियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच पीपल हैव रिजेक्टेड एंड रिजेक्टेड एंड गोइंग टू रिजेक्टेड। लोकसभा से लेकर के महाराष्ट्र चुनाव तक कहा गया कि संविधान खतरे में कांग्रेस के द्वारा, किस तरह से देखे इसको, क्या फायदे? नहीं, मैं चैलेंज करता हूं कांग्रेस को, किस तरह से खतरा है संविधान को। एक एक इंसिडेंट उन्होंने बताइए जो हमारा डिसीजन में एक एक डिसीजन ऐसा बताए कि कॉन्स्टिट्यूशन को खतरा है। चुप्पी एक नारा लगाना, एक फॉल्स एक नैरेटिव बनना, ये काम नहीं चलेगा। संबल हिंसा पर उत्तर प्रदेश विधानसभा के विपक्ष नेता माता प्रसाद पांडे ने कहा कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मेरे नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल का गठन किया था ताकि संभल घटना की सही जानकारी मिल सके। मैं आज सुबह 10 बजे निकलने वाला था संभल के लिए, लेकिन मैंने डीजीपी से फोन पर बात की। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच की जाएगी और मुझे 3 दिनों तक वहां नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं डीजीपी के अनुरोध और आश्वासन पर आज यहाँ रुका हूँ। उसके संदर्भ में सही जानकारी प्राप्त हो सके और उसकी सारी तथ्यों के बारे में हम पूरे प्रदेश को जा करके बता सकें, इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक प्रतिनिधि मंडल का गठन किया था मेरे नेतृत्व में। मुझे वहां जाना था, मैं सवेरे 10 बजे निकलने वाला था, लेकिन इसके बाद डीजी से मेरी बात हुई तो डीजी साहब ने मुझसे कहा कि साहब उनको पता था कि मैं जा रहा हूं। उन्होंने तुरंत, हमने उनसे कहा कि घटनाएं हो रही हैं, हमारे यहाँ के लोग फर्जी फंसाए जा रहे हैं, आपने हमारे एमपी पर जो वहाँ था नहीं उस पर भी मुकदमा लिखा दिया, तो ऐसे कैसे चल सकता है। उन्होंने कहा मैं निष्पक्ष जांच करूँगा, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं निष्पक्ष जांच होगी और आप 3 दिन वहाँ न जाएं। उन्होंने आग्रह किया कि 3 दिन आप वहाँ न जाएं, हम निष्पक्ष जाँच कराएंगे
इसके बाद 3 दिन के बाद आप जाइएगा। तो फिर हमने सोचा कि एक अवसर है, ये देख लें, इसीलिए उनके आग्रह पर हम आज यहाँ रुक गए। मेरा कार्यक्रम भी जारी हो गया था, वहाँ जाने का सब कुछ हो गया था, लेकिन जब उन्होंने कहा 3 दिन बाद जाइए, तो इसीलिए मैं आज यहाँ आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे प्रदेश को बताना चाहता हूँ कि मैं तो जाना चाहता ही था, लेकिन उन्होंने कहा मैं निष्पक्ष जांच करूँगा और निष्पक्ष जांच कराऊँगा, कोई ऐसा नहीं है, गलत नहीं फंसने पाएगा, इसलिए मैं आज इस कार्यक्रम को यहाँ रुक के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त, बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।